हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज के टाइम पर बालों के झड़ने की समस्या बहुत आम है और ये इतनी आम हो चुकी है कि आए दिन बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है, आप इसे जरूर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों क्या आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्या बोलेंगे आप? दोस्तों ये सवाल बहुतों से पूछा जाता है, बहुतों को जवाब पता होता है, बहुतों को नहीं पता। तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए इस बात निर्भर करता है जिनको अंदरूनी तौर पर अपने शरीर के अंदर ताम्र की मात्रा कम हो चुकी है, यानी कि कॉपर की मात्रा उनके शरीर में कम हो चुकी है, उनके लिए ही है ये तांबे का पानी पीना। माने हमको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आपके शरीर के अंदर तांबे की मात्रा कम हो चुकी है। दोस्तों ये आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपके शरीर के अंदर तांबा होता है, आयरन होता है, आपके शरीर में सोना भी होता है, चांदी भी होता है और ऐसे ऐसे आपके शरीर के अंदर 18 तत्व मौजूद होते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर 18 तत्व मौजूद होते हैं और ये सब आए कहाँ से हैं? ये सब के सब मिट्टी में से आए हैं। मिट्टी से जो कुछ भी पैदा होता है वो आपके शरीर के अंदर आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों मिट्टी में जो चीज उगाई जाती है हम उन चीजों को खाते हैं और उनके जरिए हमारे अंदर वो आ जाती है। तो दोस्तों ये बात आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब आपके शरीर के अंदर तांबे की मात्रा कम हो जाती है तो आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। उनमें से एक बीमारी जो सबसे ज्यादा कॉमन हो चुकी है आज के टाइम पर और हर 3 में से एक इंसान इससे परेशान है, वो है सर के बाल जल्दी जल्दी गिरना, यानी कि हेयर फॉल। तो ये जितने भी लोग जिनके बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिनको ये शिकायत है कि हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर ताम्र तत्व यानी कि कॉपर की मात्रा शरीर में कम हो चुकी है। माने आपके शरीर के अंदर तांबे की मात्रा कम हो चुकी है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको तांबे के लोटे में पानी रखा हुआ पीना बहुत फायदेमंद और बहुत अच्छा साबित होगा। जी हाँ, तांबे के लोटे में रख के पानी खूब पीजिए, इससे आपके बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसी तरीके से बिल्कुल ठीक इसी तरह अगर आपकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो चुकी है तो उसके अंदर भी आपके शरीर के अंदर ताम्र तत्व यानी कि कॉपर की मात्रा कम हो जाती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो लोग तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीजिए, इससे आपकी आंखों की आईसाइट बहुत तेज और मजबूत हो जाएगी। लेकिन एक बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि तांबे के लोटे में पानी आप हमेशा नहीं पी सकते, बीच बीच में आपको उसको रोकना पड़ता है, उसको गैप देना पड़ता है, यानी कि 3 महीने आप लगातार पी लीजिए, उसके बाद करीब 1 महीना आप छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने पी लीजिए, उसके बाद 1 महीने का गैप और छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने पीजिए, फिर 1 महीने का गैप दीजिए, बस ऐसा आप करते रहिए। ऐसे करके चलेंगे तो आपको उसके बेस्ट फायदे परिणाम मिलेंगे, वरना फिर होता क्या है, किसी भी चीज की अति शरीर में दोस्तों नुकसान करती है। ये बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज की आप फायदे जरूर लें लेकिन उसकी लत ना लगाएं, ठीक है? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप चाहते हैं अपने हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा पाना तो प्लीज तो आज से ही तांबे के लोटे में रख के पानी पीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप रात को सोने से पहले तांबे के लोटे के अंदर पानी भर के सो जाइए। सुबह सुबह जब आप पानी पिए तो खाली पेट आप तांबे के पानी को पीजिए। जी हाँ, आप चाहें तो थोड़ा उसे गर्म गुनगुना कर सकते हैं और उसके बाद पीजिए। जी तांबे का पानी पीना बहुत फायदेमंद है, वरना वैसे तो आप डेली सुबह शाम जब भी आप चाहें आप तांबे का पानी पी सकते हैं। दोस्तों अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या है तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और उनको फायदा पहुंचाइए। दोस्तों आप सभी ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव आप इसे कमेंट के माध्यम से मैं जरूर पूछिए। थैंक यू दोस्तों।